जहाँ माया मेन अड्याल रोड में वाक़ केक किचन हो, तो ये नाज़रीन ये एक अपने तर्ज की ये मुनफरद बेकरी है कहते हैं जी। नाज़रीन ये बड़ा साफ़ सुथरा मॉल है, अपने तर्ज की मुनफरद बेकरी है, बहुत साफ़ सुथरा मॉल है। ये देखें आप बेकरी के आइटम किस तरह इन्होंने अपने शोकेस में सजाए आगे जी जी। केक ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं, ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह भी मिलते जाते हैं अंदर। कबाब है, मिनी चिकन, मिनी पिज़्ज़ा है, क्या क्या जितनी कैसे ये हमारे पास ये ड्राई केक्स हैं। ड्राई केक्स में यानी कि आलमंड नट्स वगैरह, और स्पेशलिटी में यानी कि रिच प्लम केक्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, मोस्टली बेक करते हैं। और क्वालिटी वाइज इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और मयारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इम्पोर्टेड लोकल चीज़ तो यूज़ ही नहीं करते हैं। ये फ्रेश क्रीम केक्स हैं, इसमें ब्लैक फॉरेस्ट हैं, फ्रूट कॉकटेल है ये जो, और ये इसके साथ हमारे पास ये फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के केक्स भी मौजूद हैं, जिसमें ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, चॉकलेट फज, किटकैट चॉकलेट, और इससे भी बेहतरीन ये दूसरे केक्स हैं हमारे पास, फ्रेंच वेनिला, कॉफ़ी वालनट, कोको कैडबरी, और चॉकलेट पॉप्स वगैरह, अमेरिकन ब्लूबेरी, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पेस्ट्रीज हैं कप केक्स की, डेजर्ट्स में ये क्रीम एंड कुकीज़, स्ट्रॉबेरी, किटकैट, कॉफ़ी वालनट स्टॉप, और फ्रेंच वेनिला वगैरह, चॉकलेट रूफ, कप केक्स हैं, मूस कप्स हैं। और ये ब्राउनीज हैं स्पेशल में, कुकीज़ वगैरह है, चॉकलेट टार्ट्स, लेमन टार्ट्स, और अगेन ब्राउनीज, वालनट ब्राउनीज, फज ब्राउनीज। इसके साथ साथ हम फ्रेश पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं, ये शेफ़ लगे हैं आपके सामने काम कर रहे हैं। फ्रेश पिज़्ज़ा कैसे ही ऑर्डर लेते हैं, 15 से 20 मिनट में फ्रेश तैयार करके दे देते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनके केक्स, इनके हर चीज़ हर लिहाज से अच्छी है, इसलिए हम यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। आइए तो मधुर से स्पेशल बर्थडे केक के लिए ऑर्डर देने आए। इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें इस बेकरी में पसंद है? इनका पिज़्ज़ा और इनके बिस्किट। एक तो इनका मेरा ख्याल क्लीनलीनेस, सफाई बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है उसके पास लोग आते हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों में। घर के पास है और काफ़ी कन्वीनियंस, इनके पास वैरायटी बहुत है, और केक काफ़ी फ्रेश होते हैं इनके। अभी हम फिलहाल आए हुए हैं, मैंने मूज और केक ऑर्डर किया, और आइसक्रीम वगैरह का वेट कर रहे हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि सब यहाँ पे आएँ, काफ़ी अच्छी बेकरी है। ये सब चीज़ें हैंडमेड हैं जी? जी, हम डेली बेस पे फ्रेश तैयार करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी कोई यूज़ नहीं कई चीज़ें करते, हम ये खुद ही तैयार करते हैं। जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं केक वगैरह के, यहाँ सालगिरह बड़े बड़े केक भी आते हैं, तो आप कितनी देर में तैयार कर देते हैं केक वगैरह? सर एटलीस्ट, या क्या आप ये भी बताएं कि क्या आप टेलीफोन पे भी ऑर्डर लेते हैं? जी जी, हम टेलीफोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर लेते हैं,
اس کے علاوہ اگر کوئی کسٹمر آرڈر کرتا ہے ہمیں تو ایک دن پہلے ہم آرڈر اس کا پلیس کر لیتے ہیں، سیکنڈ ڈے جس ٹائم اس کو چاہیے اس ٹائم بنا دیتے ہیں، اور سم ٹائم اگر کسٹمر ارجنٹ چاہیے اس کو تو ہم وہ بھی بنا کے دے دیتے ہیں۔ ریگولر کیکس ہیں جو ہیں، اس کے علاوہ بڑے کیک کہاں تک بنا سکتے ہیں آپ؟ یہ ریگولر کیکس ہمارے پاس منیمم 2 پاؤنڈ میں ہوتے ہیں، اس سے ابو کیک آپ جتنا مرضی چاہیں بنوا سکتے ہیں۔ اب ہم اس شاپ کے اس بیکری کے آنر سے ملتے ہیں، وہ اب ہم ان سے ڈیٹیل میں اس بیکری کی ہسٹری جو ہے نا وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایسے یہ بیکری کا بزنس میرے باپ دادا نے سن 1941 انڈیا لدھیانہ سے شروع کیا، اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے، پاکستان میں ہم نے مختلف جگہوں پہ یہ بزنس کیا، فیض جناس اوپر دا کریم کیفے کے نام سے اور دا گریل کے نام سے، اب یہ کیک کچن اور الحبیب کے نام سے۔ تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ بہت ایک اچھا ادارہ ہے جس میں ہر چیز کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز فریش بنائی جاتی ہے، اور جتنی پروڈکٹ ہماری بنتی ہے وہ ایک دن میں ہم سیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو بقایا بچتی ہیں چیزیں ان کو ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو کئی اور شہروں سے، حتیٰ کہ آؤٹ کنٹری سے بھی یہ چیزیں جو ہیں نا وہ لوگ ہمیں آرڈر کرتے ہیں بیچنے کے لیے۔ سب سے مین بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم جتنے 8 لوگ ہیں جو گھر کے افراد ہیں اس میں جو ورکنگ کر رہے ہیں، میں ہوں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، جو کہ سب الحمدللہ راؤنڈر ہیں، ہر کام کی مہارت رکھتے ہیں، اور زیادہ جو اہم رول ہے وہ ہماری اپنی گھر کی ٹیم کا ہے۔ پھر ہمارے جو پاس امپلائیز ہیں وہ بھی ہمارے پاس 18 20 سال سے لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں اس کو اور بہتر سے بہتر۔ جی ناظرین، آج ہم کیک کچن کے نام سے ایک بیکر میں موجود تھے، ہم نے آپ کو اس منفرد بیکری کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔